एस फिश मछली इस केस में आप फिर देख सकते हैं हमारे पास उन एक लफ्ज था उससे पहले हमने अलिफ लाम लगा दिया तो लफ्ज बन गया एस सेमकू। एस सेमकू। अब यहां से हमने लफ्ज सीन को दो मरतबा पढ़ा है लाम को इग्नोर कर दिया असमकू जब लाम को हमने इग्नोर कर दिया तो इट इंडिकेट्स के सीन हरूफ शमसी में आता है असलम इनिक चल पर मैं आप सब को खुश आमदेद कहता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे आज का हमारा लेसन होगा सन एंड मून लेटर्स इन अरबिकरबी में हरूफ को हमने डिवाइड किया हुआ है शमसिया और हरूफुल्कमरीजा में इस लेसन में हम देखेंगे कि हमने उनकी डिवीज़न किस बेसिस पे की है और इनका मतलब क्या होता है पी आप इस लेसन की लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पी बिल्कुल फ्री है इसके किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं हम शुरू कर रहे हैं लेसन हमारे पास अरेबिक के टोटल अल्फाबेट्स यानी कि हरूफ तहजी अट्ठाईस होते हैं ठीक है और हमने उन अट्ठाइस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है चौदह एक तरफ और चौदह एक तरफ अब चौदह हरूफ को हम शमसिया कहते हैं और चौदह को हम हरूफुल्कमरिया कहते हैं अब ये देखते हैं कि हमने इनकी डिवीज़न किस बेसिस पे की है दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द प्रोनउंशन ऑफ दर्ड अल ठीक है एटीनिंग ऑफ वर्ड्स ठीक है वो कह रहा है कि हमने जो ये तकसीम की है अल्फाज की हरूफ की ये जिस बेस पे की है वो लफ्ज़ अलिफ लाम है यानी कि हमने अलिफ लाम की आवाज़ की बुनियाद पर हमने इनकी डिवीज़न की है कि अलिफ लाम को बोला जाएगा या अलिफ लाम को बोला नहीं जाएगा बोलने या ना बोलने पे हमने सन एंड मून लेटर्स को डिवाइड किया हुआ है और जिस केस में हम अलिफ लाम को प्रनाउंस करते हैं अलिफ लाम वाजे होता है वो केस होता है हरूफुल्माजा वाला यानि कि ऐसे हरूफ जिन से पहले अलिफ लाम दाखिल हो और अलिफ़ लाम बोला जाए अलिफ लाम की आवाज़ आए वो वोफ़ हरूफल कमरिजा कहलाते हैं यानि कि मून लेटर्स कहलाते हैं मैं फिर से रिपीट करता हूँ वो हरूफ़ जिनसे पहले अलिफ़ लाम दाखिल हो और अलिफ लाम की आवाज़ भी आए अलिफ लाम को बोला जाए तो उन हरूफ़ को हम बोलते हैं मून लेटर्स और दूसरी तरफ वो हरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम दाखिल हो लेकिन वो बोला ना जाए लाम दाखिल हो लेकिन अलिफ लाम को बोला ना जाए उन हरूफ को हम बोलते हैं सन लेटर्स तो मून लेटर्स कौन से हैं जिस केस में अलिफ लाम को बोलते हैं और सन लेटर्स यानी कि हरूफ उशमसिया वो लेटर्स हैं जिस केस में हम जो अलिफ लाम हैं उसको इग्नोर कर देते हैं बोलते नहीं हैं अब जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हरूफ़ जो हैं वो हरूफ शमसिया में आते हैं और कौन से हरूफुल्मरियजा में आते हैं जो हरूफ़ रेड कलर से लिखे गए हैं वो हरूफ़ शमसी हैं और जो हरूफ़ ब्लू कलर से लिखे गए हैं वो हरूफ़ क़मरी है। हैं हमारे पास हरूफ़ शमसी में है ते फै डैल गौ जै श गौत वैम और नून। अब इन हरूफ का मतलब क्या है कि इन सब हरूफ में इन सब हरूफ में जब भी इन में से किसी एक के पहले अलिफ लाम लग गया तो वो अलिफ लाम बोला नहीं जाएगा उसके बाद हरूफ कमर ही हमारे पास हैं। हमज़ा, या अलिफ बीम हिम गैन फा खौफ कैफ मीम है वाओ और या ये हरूफ हैं हरूफ कमरी मतलब क्या हुआ कि जब भी इन हरूफ में से किसी एक पर अलिफ लाम दाखिल हो गया तो वो अलिफ लाम बोला जाएगा अलिफ लाम की आवाज़ हमें आएगी ये हो गया हमारा हरूफ शमसी और कमरी का मुख्तर सतारफ अब हम हरूफ शमसी से शुरू करते हैं और हम हर हर हरफ की अलग अलग एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये हरफ हरूफी बना या नहीं बना सबसे पहले हमारे पास था ता और यहाँ पर इस केस में ता से पीछे अलिफ लाम दाखिल है तो मतलब क्या हुआ ताजिर। अब ताजर हम ता को यहाँ पर दो मरतबा पढ़ रहे हैं लाम की आवाज हमें नहीं आ रही है

तो उस हर्फ के आखिर में अगर तनवीन हो तो वो तनवीन ख़त्म हो जाती है जब भी किसी हर्फ के पीछे अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो तनवीन ख़त्म हो जाती है तनवीन कहते हैं दो जेर दो ज़बर या दो पेश को मिसाल की बात है हमारे पास अलिफ लाम को आप फिलहाल इग्नोर कर दें तो लफ्ज़ हमारे पास बनता है थवुण। 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 जब इसमें अलिफलाम दाखिल हो गया जब इस पर अलिफलाम लगा दिया तो क्या बन गया असऊबु अलिफलाम लग गया तो तमीन खत्म हो जाएगी सिर्फ एक पेश बाकी रह जाएगा तो ये जनरल सा फिनोमिना आपने अपने जहन में रखना है नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ लफ्स दाल अद्दार। अद्दार मतलब घर हाउस अद्दहब। 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 गोल्ड यानी के सोना अब इस केस में आप फिर से देख सकते हैं जाल से पहले अलिफ लाम दाखिल है लेकिन उस अलिफ लाम को या खास तौर पे हम लाम को इग्नोर कर रहे हैं हम दो मरतबा जाल पढ़ रहे हैं रहबू हम ये नहीं कह सकते अल रहबू ये बिल्कुल गलत हो जाएगा रहबू ये इसकी सही तलफ बनेगी الزهره الزهرا the flower फूल الرجل the man आदमी अल رجل the man आदमी اس سمك اس سمك the fish मछली इस केस में आप फिर देख सकते हैं हमारे पास سمك एक لفظ था उससे पहले हमने الف लाम लगा दिया तो लफ्स बन गया अस्समकु अस्समकु अब यहां से हमने सीन को दो मरतबा पढ़ा है लाम को इग्नोर कर दिया अस्समकु जब लाम को हमने इग्नोर कर दिया तो इट इंडिकेट्स के सीन हरूफे शमसी में आता है असमक फिश मछली अशम्स द

अवुल्म द इनजस्टिस ना इंसाफी अवुल्म ना इंसाफी अल्लाहम अल्लाहम द मीट गोश्त अल्लाहम अन्नजम अन्नजम द स्टार सितारा दोस्तों ये हमारे हरूफ इस हरफ पर ख़त्म होते हैं हमने देखा लफ्ज़ ता दे जैल वौ जै शीन शीन फौ वॉ तौ लैम و, ن. इन तमाम रूप से पहले अगर अलिफ लाम दाखिल हो गया तो हम उस अलिफ लाम को इग्नोर कर देंगे और हम पढ़ेंगे ए तैजब असऊब नज्म ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हरूफ शम्सी की अब चलते हैं हम हरूफ क़मरी पर हरूफ़ क़मरी कौन से होते हैं वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ़ लाम दाखिल हो और हम उस अलिफ़ लाम को प्रनाउंस भी करें जैसे कि पहला हरफ़ कमरी हमारे पास है हमजा अल उम अल उम यानी के माँ अब उमुन एक लफ्ज था उमुन उससे पहले अलिफ लाम लग गया तो क्या बन गया अल उम अब यहाँ पर हम वाज तौर पर लाम को पढ़ रहे हैं तो लाम को पढ़ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि हमजाफ कमरी में आता है एलबैब एलबैब दिडोर दरवाजा एलबैब दिडोर दरवाजा अब अगेन यहाँ पर बारूफ खमरी में आता है नेक्स्ट वी है्डन बाघ अलह अलहमा दी गधा अलखब्स अलखब्स द्रेड या फिर चपाती रोटी अलखब्स रोटी

मोबाइल अलज जद, अलजद हैंड हाथ अल जद, दी हाथ। दोस्तों इस हर्फ के साथ इस लफ्ज के साथ हमारे हरूफ कमरे भी खत्म होते हैं मैं एक बार फिर से हरूफ कमरी को रिपीट कर दू हा, बीम हईन गईन फा फ़ कैफ़ मीम है ये अल्फाज ये हरूफ सारे के सारे हरूफ क़मरी हैं जिसका मतलब ये है कि अगर इन हरूफ़ में से किसी एक हरफ़ के पीछे भी या बेशक सभी के पीछे अलिफ लाम लग जाए तो आपने अलिफ लाम को प्रॉपर प्रोनाउंस करना है उसकी आवाज़ निकालनी है तो ये हमारा लेसन था हरूफ शमसी और का उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा हाफिज